तो आज हमारी इस एक्सेस की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा हैंडलिंग। हम आपको बताएंगे कि इस तरह से हम डेटा को हैंडल कर सकते तो यहाँ पे हमारे सामने एक डेटा है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जैसे कि आपके सामने जो डेटा है, आपके कॉलम्स हैं, मान लीजिए कुछ कोई कॉलम आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, जिस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं और कॉलम के ऊपर क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं या फिर कोई डेटा यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। फील्ड की जो विड्थ है वो हाइड कर सकते हैं, विड्थ बढ़ा सकते हैं, फील्ड को हाइड कर सकते हैं या अनहाइड कर सकते हैं या फ्रीज कर सकते हैं या अनफ्रीज। फ्री समझ में आ रहा है कि नहीं सर? फ्रीज का मतलब कि जब स्क्रॉल करेंगे तो फिक्स रहेगा वो, या कोई नई कॉलम इसमें ऐड कर सकते हैं या मॉडिफाई बाय लुकअप। जैसे इसमें लुकअप लगा हुआ है, लुकअप बिजार्ड लगा हुआ है, तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं डिजाइन मेनू में गैप है और इस फील्ड को आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो किसी कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आप उसको ए टू जेड करके आप उसको शॉर्ट कर लीजिए, ये आपका शॉर्ट हो जाएगा, ये जेड टू ए शॉर्ट। देखिए फील्ड नहीं होगा, पूरा डेटा होगा, इसको कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करना चाहें, जैसे मुझे एक्सेल में पेस्ट करना है तो इसको आप एक्सेल कर सकते हैं राइट, या फिर एक्सेल से मैं कुछ लेकर आया हूं तो इस पे पेस्ट करना है तो मैं इसके ऊपर पेस्ट कर सकता हूं। फिर फील्ड की विड्थ, जैसे कि इसको बढ़ाना है एग्जैक्ट विड्थ से 15 करना है तो 15 हो जाएगा, या फिर मैं यहां से ही बढ़ा सकता हूं, लेकिन हम राइट क्लिक करके फील्ड विड्थ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मान लीजिए इसको हाइड रखना है तो इसको हाइड कर दीजिए, वापस अनहाइड करना है तो इन दोनों को सिलेक्ट करके यहां से अनहाइड कर सकते हैं, ये आपका अनहाइड फील्ड कर देगा। तो इसमें आप जैसे एक्सेल में क्या होता था कि जैसे हम लोगों ने क्या किया, सिलेक्ट करके हाइड कर दिया, क्या सर हाइड कर दिया, तो हमें पता चलता था कि हाँ पे हाइड, क्योंकि सीक्वेंस ब्रेक होता था, यही पे सिलेक्ट करके अनहाइड कर सकते हैं। हम कहीं भी जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और अनहाइड करूंगा तो यहाँ पे अनहाइड इफेक्ट नहीं होगा, बट एक्सेस में अब प्रॉब्लम है कि एक्सेस में कैसे पता चलेगा कि हमारा सीक्वेंस अनसीक्वेंस है, कि यहाँ पे कोई एबीसी कॉलम नेम तो है नहीं। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि हम सिटी पे सिलेक्ट करके हम इसको अनहाइड करें, हम कहीं भी, मैं मान लीजिए मोबाइल पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से इसको अनहाइड हाइड फील्ड करूंगा तो मुझे यहाँ पे टिक आ जाएगा, चेकबॉक्स आ जाएगा, चेकबॉक्स पे क्लिक करूंगा वो हमारा अनहाइड हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से फ्रीज, मान लीजिए कि बहुत बड़ा फील्ड है, आगे जाते हैं तो पीछे हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे नीचे ड्रैग करते हैं तो ये हमारा ऊपर का तो बाय डिफॉल्ट हेडिंग फिक्स होता है, बट जब हम लेफ्ट टू राइट ड्रैग करेंगे तो बहुत सारे कॉलम्स होंगे तो वहां पे फ्रीज करने की जरूरत पड़ेगी। अब फाइन, अब जैसे अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूंगा, मैं टीना सेलेक्ट किया तो टीना सर्च हो के आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मुझे सर्च करना है सिर्फ इस कॉलम में, तो उसको सिलेक्ट करके यहां से भी आप सर्च कर सकते हैं, क्लिक करके यहाँ भी फाइंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेटा और यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट, जैसे मान लीजिए कोई फील्ड नहीं है इंसर्ट करना, जैसे जीएसटी के बाद मैं इसमें कमीशन डालना चाहता हूं तो मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट फील्ड कर दूंगा, एक नया फील्ड आएगा, इस फील्ड का बाय डिफॉल्ट आता है, इस फील्ड में आप
नाम वगैरह यहाँ से नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, फील्ड वन करके ही आएगा। नहीं, फील्ड वन करके नहीं आता है, एक मिनट रुकिए, तो इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, इस फील्ड को मैं यहाँ से डिलीट, मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, इंसर्ट फील्ड, हाँ नहीं, फील्ड वन करके आएगा। और इस पे डबल क्लिक करके मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, कमीशन कर सकता हूँ, बट इसकी जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप आप यहां से चेंज नहीं कर सकते। डेटा टाइप को चेंज करने के लिए फिर आपको डिजाइन मोड में ही जाना है। उसके बाद मॉडिफाई लुकअप यहाँ पे इनएक्टिव है, क्यों? क्योंकि नहीं लगा है, लुकअप हमारा इसमें लगा है, ड्रॉप डाउन जो बॉक्स है वो हमारा इसमें। तो यहां पे मैं मॉडिफाई लुकअप, ओपन करेंगे, तो इसमें कोई ऐसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे कोर्स में ऐड करना है, जैसे मुझे ऐड करना है इसमें टैबलू ऐड करना चाहे, डैशबोर्ड ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड को सिलेक्ट कर लूंगा और तो ये मेरा डैशबोर्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है, राइट, ठीक है। अब किसी ने कैलकुलेशन लगाया, जैसे मान लीजिए इसने कैलकुलेशन लगाया जीएसटी, तो यहाँ पे मॉडिफाई एक्सप्रेशन आ गया, बट आ रहा था तो कि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, जैसे लुकअप इसमें हाईलाइटेड था, तो मॉडिफाई एक्सप्रेशन मतलब हुआ कि इसके अंदर जो फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए जीएसटी का परसेंटेज बढ़ाना है, अब बढ़ के 20% हो गया है, तो ओके करेंगे, 20% सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा। और फील्ड को रिनेम करना है तो भी कर सकते हो, फील्ड को डिलीट भी कर सकते हो, तो ये हमारा ए था, रनिंग था। अब कॉलम और इसमें रो वाइज भी है, तो रो वाइज भी सेम है, आप नया रिकॉर्ड रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट और हाइट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे इसमें नई एंट्री करनी है तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा ना, इसके दो तरीके कि किसी पे राइट क्लिक करें, किसी के ऊपर राइट क्लिक करके आप न्यू रिकॉर्ड पे चले जाएंगे तो नीचे आ जाएंगे, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएंगे, और किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो यहां से डिलीट कर सकते हैं, या कॉपी करना है या पेस्ट करना है, किसी चीज कर सकते हैं, या रो की हाइट को बढ़ाना घटाना है एग्जैक्ट, यहां से बढ़ा घटा सकते ठीक है सर। अब बात करते हैं फिल्ट्रेशन की, तो अब से फील्ड पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रिकॉर्ड तो है ही है, इसके अलावा यहाँ पे फिल्ट भी कर सकते हैं, मान लीजिए मुझे MIS वाले को देखना है तो मैं यहां से सिर्फ MIS को सिलेक्ट करके देखूंगा। अब जैसे आप चाहोगे कि फिल्टर MIS है और मैं एक्सटर्नल डेटा सोर्स में जाके इसको 2XL कर दूं और सेव कर दूं तो क्या होगा? तो क्या हमारे डेटा में MIS वाले ही आएंगे या पूरा डेटा आएगा? तो चलिए अभी हमने किया है उसको आपको दिखाई देता हूं। मेरे हिसाब से पूरा डेटा, थ्योरी कहती है कि पूरा डेटा आना चाहिए, जी हाँ, चलिए तो डेटा फिल्टर डेटा के लिए हम क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डेटा आपको देखना हो तो यहां से आप फिल्टर करके देख सकते हैं। फिल्टर में कंडीशन है, जैसे कि इसमें टेक्स्ट है तो टेक्स्ट से रिलेटेड कंडीशंस है, डज नॉट इक्वल बिगेन बी, मतलब मान लीजिए किसी का नाम पीछे स्टार्ट है या पीछे स्टार्ट नहीं है, कंटेन नॉट कंटेन एंड बी डज नॉट है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं सर। तो ये फिल्टर कर सकते हैं। अब मैं यहां से फिल्टर
फिल्टर को क्लियर करता हूँ, अगर नंबर वाले फिल्टर पे चला गया तो फिर मुझे यहाँ पे नंबर्स के फिल्टर मिलेंगे जहाँ से इक्वल डज नॉट लेस देन एंड बिटवीन मिलेगा, और मेरे हिसाब से ये भी आपको पता ही होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसी तरह से अगर मैंने डेट का फिल्टर ले लिया तो डेट के फिल्टर में एक तो यहाँ पे डेट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे डेट का फिल्टर थोड़ा सा लंबा है, इसको समझिए बिल्कुल एक्सेल की तरह, इक्वल डज नॉट इक्वल बिफोर आफ्टर टुमारो टुडे यस्टरडे, ये सारे सिस्टम डेट से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर डेटा दो तीन साल का है तो यहाँ पे क्वार्टर वन का होगा तो तीनों साल का क्वार्टर वन आएगा, या जनवरी करेंगे तो तीनों साल का जनवरी है। ठीक है सर, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं, तो डेट की फिल्ट्रेशन हो गया। अब आता है यहाँ होम पे आते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए सिलेक्ट किया है यहाँ पे टी टू पे कर्सर है, तो यहाँ पे सिलेक्शन फिल्टर होता है, इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ टी टू से रिलेटेड आया है कि इक्वल टी टू डिज नॉट इक्वल टू टू कंटेन टी टू डिज नॉट कंटेन टी टू आ जाएगा। तो सिलेक्शन फिल्टर में ये चीज होता है, समझे? क्लियर है? उसके बाद इसमें अगर हम बात करें फिल्टर की, तो यहां पे फिल्टर जरूरी नहीं है कि फिल्टर के लिए हमेशा आपको ऊपर ही जाना पड़े, आप फिल्टर कहीं भी लगा सकते हैं। इस पे है या मान लीजिए यहां पर है, तो इस पे आप फिल्टर लगा सकते हैं, ये भी फिल्टर आपको खुल के आ जाएगा। ठीक है, और जैसे देखिए 340 दिख रहा है ना सर, इसमें फिल्टर में कुछ नहीं दिखा क्योंकि सब एक ही वर्ड है, तो इस तरह की भी अंडरस्टैंडिंग ये एक्सेस अपने आप खुद ब खुद कर ले। और एडवांस में आपको जो है फिल्टर बाय फॉर्म, आगे चल के फॉर्म वगैरह फिल्टर बनाएंगे तो यहाँ पे कई सारे मालूम फिल्टर आपको ऐसे मुझे आपको इंदर का फिर डेटा चाहिए, ठीक है, उसके बाद कई सारे कंडीशंस है तो यहाँ पे करेंगे, करने के बाद यहाँ गूगल फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको इंदर का डेटा दिख जाएगा। एडवांस फिल्टर में चीजें होती है सर, मैं इसको क्लियर करता हूँ। देखिए तो एडवांस फिल्टर में एक तो आपका फिल्टर वाइज फॉर्म था, एक होता है अप्लाई फिल्टर एंड सॉर्ट। अब इस पे क्लिक करेंगे इसका, हाँ यहाँ पे आपके पास कई सारे कंडीशंस हैं, तो ले सकते जैसे नेम हमने ले लिया और नेम में हमने बोला कि भाई क्राइटेरिया बोला कि यहाँ पे पुनीत होना चाहिए, चाहे पूजा होना चाहिए,
और नेम में मुझे एक और चाहिए पूजा के बाद, मान लीजिए मुझे इसमें टीना भी चाहिए, या फिर कोई कंडीशंस ग्रेटर देन लेस देन या कोई कैलकुलेशन वगैरह इस पे आप कर सकते हैं। इसको डिटेल के साथ हम आपको आगे पढ़ाएंगे, तब तक आप इसका अपने हिसाब से देख लीजिए कहाँ पर क्या है, ठीक है। उसके बाद ये तो नॉर्मल चीज है, न्यू सेव टोटल कर देंगे तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए इसका मुझे टोटल चाहिए, तो मैं टोटल पे क्लिक कर दिया तो सबसे नीचे आएंगे आप, यहाँ पे मैं टोटल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ टोटल का फील्ड आ गया, इसमें आप इसका सम एवरेज वगैरह निकाल सकते हैं, तो इससे डेटा में आपको दिखेगा, ठीक है। स्पेलिंग चेक वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ चेक कर सकते हो, और यहाँ से इसकी जो बाकी जो फील्ड हमने राइट करके देखा था वही यहाँ पे सारा चीज है। एक आपका सबशीट है, तो सबशीट के बारे में हम आपको बताएंगे जब हम आपको रिलेशनशिप पढ़ाएंगे, ठीक है। हेलो, सॉरी सर फोन आ गया। चलिए तो यहां से हम इसका यूज कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे रिप्लेसमेंट वगैरह है, आप इसका इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इसकी जो कुछ चीजें हैं तो हम सर आपके साथ कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, और सर फंक्शन भी कुछ मैंने लगाने की कोशिश करी थी तो मैं लगा नहीं पाया, तो मेरे हिसाब से कुछ फंक्शन भी डिस्कस कर लें, ठीक है। आप लिस्ट बना लीजिए कौन कौन फंक्शन आपको समझ में नहीं आया, ठीक है।